पंजाब के दो बड़ों वजीर आला और स्पीकर की यहाँ मुलाकात, मिलकर चलने के आजम का यादा। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि इकट्ठे थे, इकट्ठे हैं और इकट्ठे ही रहेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली और मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, मुखालिफीन की तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये इत्तेहाद नहीं टूटेगा। पंजाब को तरक्की की राह पर तेजी से गामजन देख रहे हैं, उस्मान बुज़दार सबको साथ लेकर चल रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत ने मुश्किल माशी हालात में बेहतर बजट पेश किया, आवाम को रिलीफ देने के मिशन में किसी को रुकावट नहीं डालने देंगे। इस मौके पर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि अवामी खिदमत के सफर को मजीद तेजी से आगे बढ़ाएंगे, मुस्लिम लीग काफ हमारी इत्तेहादी जमात है, इसे साथ लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें मायूसी का शिकार हैं और हिजबे इख्तलाफ ने कोरोना समेत हर नाजुक मौके पर हमेशा सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और मिलकर सूबे के अवाम की खिदमत के अज़्म का अदा किया।